चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। युवराज सिंह तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फसलों का तुम सर्वे कराओ, सर्वे कराओ, सर्वे कराओ। बीते दिनों लगातार बारिश से सोयाबीन की बर्बाद फसलों को देख प्रदेश में शांत हुए किसानों के मुद्दे में कांग्रेस फिर से जान फूंकने की कोशिश कर रही है। खबर सागर जिले के जयसिंहनगर क्षेत्र से है, जहां जेरा गांव के साथ इस क्षेत्र के किसानों ने हल्ला बोलते हुए किसानों के नाम से प्रदेश की सरकार के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि उन्हें चना और रबी की फसलों का भावांतर राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस बारिश से इस क्षेत्र की खरीफ की फसलें नष्ट हुई हैं। उनकी मांग है कि प्रशासन तत्काल सर्वे कराकर बर्बाद हुई फसलों को देखकर मुआवजा दे। अभी जो पिछले हफ्ते में लगातार अतिवृष्टि हुई है, उस अतिवृष्टि से जो है खरीफ की जो फसलें सोयाबीन उड़द मूंग की जो फसलें सोयाबीन की फसल है वो काफी नुकसान हुआ है। उस नुकसान का जो है अभी तक सरकार ने सर्वे भी नहीं कराया है कि यदि सर्वे नहीं हुआ और किसानों को मुआवजा नहीं मिला, किसानों की जो मांगे हो नहीं मानी गई, तो हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और वह किसानों के साथ उनका समर्थन लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेगी। बहरहाल चुनावी मोड में इस तरह के ज्ञापन सियासत का हिस्सा जरूर है, लेकिन लगातार बारिश से किसानों की उड़द और सोयाबीन की फसलें जरूर खराब हुई हैं। संतोष नामदेव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयसिंहनगर। प्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।